हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक ज़माना होता था जब हम म्यूज़िक सुनने के लिए या मूवीज़ देखने के लिए वो पुराने वाले वायर वाले ईयरफोन यूज़ करते थे, जो बहुत ही वायर होती थी, मतलब उसमें यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद ज़माना आया नेक बैंड वाले ईयरफोन का, जो यहाँ तक ऐसे नेक बैंड आता था और उसमें वायर के साथ ईयरफोन लगते थे। ठीक थे वो, अच्छे थे, मैंने भी यूज़ किया है, बट जब भी कोई जॉगिंग करते एक्सरसाइज करते तो पसीना आता था, उसमें वो प्रॉब्लम होती थी। तो अब जमाना है ईयरबड्स का, जिसमें ना कोई वायर है ना कोई नेक बैंड है। आई थिंक वो यूज़ के लिए सबसे बेस्ट हो। तो हाल ही में वन प्लस ने ये ईयरबड्स लॉन्च किया है, जो बजट वाइज भी ठीक है और वन प्लस ब्रांड तो है ही, बिकॉज मैं वन प्लस का 6 and 7T यूज़ कर रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस वाइज और वाइज बहुत बढ़िया है। इसलिए वन प्लस पे ट्रस्ट करके मैंने ये ईयरपॉड्स परचेज़ किए हैं। तो इसका रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं ये कैसे हैं, बजट क्या है इनका। तो ये है हमारा वन प्लस का ईयरबड्स का प्यारा सा बॉक्स। अब इसे ओपन करते हैं। हम सबसे पहले इसके ऊपर के रैपर को हटाते हैं। अब इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले हमें अपने ऊपर ईयरबड्स मिल जाते हैं। वाह, ग्रेट, छोटे से प्यारे से ईयरपॉड्स। अब इस केस को साइड में रखते हैं और अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। सबसे ऊपर इसकी छोटी सी बुकलेट है, इसमें लिखा है सेट योर म्यूजिक फ्री, अपने वायर से नेक बैंड से फ्री कीजिए ईयरबड्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें मिल जाती है अपनी ये सी टाइप डाटा केबल, इसके चार्जिंग के लिए। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम इस सब बॉक्स को इकट्ठा करके साइड में रखते हैं और देखते हैं सबसे मेन चीज़ जो हमारी ये है, ये केस, प्यारा सा ब्यूटीफुल सा केस है। तो अब इसे ओपन करते हैं, इसके ऊपर के सबसे पहले रैपर को हटाते हैं इसके ऊपर के। वाह, अब इसे ओपन करके देखते हैं। वाह वाह, बड़े ही आराम से खुल रहा है, ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है। ये है इसका बर्ड्स, इसमें माइक्रोफोन लगे हुए हैं, नीचे स्पीकर है प्यारा सा, उसको वापस रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ईयरबड्स मैंने 2 दिन यूज़ किए हैं, उसके बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूँ, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज, बट मेरे यूजेज के हिसाब से मैं इनका रिव्यू दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब कोई प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी लुक एंड बिल्ड क्वालिटी। तो लुक इसकी ऑसम है यार, मतलब सच्ची में अच्छा। छोटा सा केस है, इजीली ओपन होता है, इजीली बंद होता है। छोटे छोटे ये ईयरबड्स हैं, इनको आप कहीं भी, इस केस को आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक रही इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि गिरते ख़त्म हो जाएगा। वन प्लस का ब्रांड है तो वन प्लस बिल्ड क्वालिटी हमेशा ही अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी देता है। सेकंड नंबर पर आते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कि आपके मोबाइल से कितनी जल्दी ये पेयर होता है। तो आप एक बार इसे अपने मोबाइल से पेयर कर लीजिए, उसके बाद आप इसे ओपन करोगे और इन ईयरबड्स को निकाल के अपने ईयर में लगाओगे, उससे पहले आपके मोबाइल पर ये कनेक्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। थर्ड बात आती है फिट इन द ईयर, जो ये बड्स है आपके कान में कितने अच्छे से फिट होते हैं। सो लेट्स सी। दे फिट रियली वेल। बहुत से यूट्यूबर ने इनके बारे में बताया कि ये अच्छे से फिट नहीं होते, पेन करते हैं, गिरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कान में बिल्कुल अच्छे से फिट हुए हैं, ना कोई पेन है, ना ही ऐसा कोई ये इनका कोई गिरने का इश्यू है, बिल्कुल ओके फिट इन द ईयर है ये। उसके बाद आती है म्यूजिक क्वालिटी की बात। तो मैंने इनमें म्यूजिक सुना है, मूवीज देखी है, गेम्स के टाइम भी इनको यूज किया है, तो मुझे म्यूजिक क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। मतलब है जो इसका साउंड है, बास है, जो मतलब सब अच्छा है, इसका म्यूजिक क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट बात आती है यूजर इंटरफेस की। तो इसमें फंक्शंस है, अगर आप वन प्लस के यूजर हैं तो जैसे ये है, आप इसे अपनी सेटिंग में सेट कर सकते हैं। आप ये जस्ट डबल टैप करोगे तो सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा,
अगर आप ये वाला लेफ्ट है आप इस पर डबल टैप करोगे तो सॉन्ग प्ले हो जाएगा। ये सब आप अपने वन प्लस के डिवाइस में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है इसकी बैटरी की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ईयरबड्स चार्ज नहीं करने हैं, आपको ये केस चार्ज करना है। और ये ईयरबड्स एक बार फुल चार्ज होने के बाद 7 घंटे का यूज देते हैं। मैंने खुद ने यूज़ किया है, 6 से 7 घंटे का यूज देते हैं। और ये जो केस है ये एक बार फुल चार्ज होने के बाद इन ईयरबड्स को 4 बार चार्ज कर देता है। इट मीन्स ये 28 से 30 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं। और मैंने 2 दिन यूज़ किया, एक बार इसको चार्ज किया था, उसके बाद मैंने चार्ज ही नहीं किया और तब भी लास्ट में इसकी बैटरी 40-50% थी। तो इट मीन्स सच्ची में ये मतलब इतना बैटरी बैकअप देते हैं। और ये जो ये USB-C टाइप डाटा केबल लगती है इसमें, जो ये वन प्लस का फास्ट चार्जर आता है, वन प्लस का वार्प या डैश चार्जर, वो सूट करता है, जो आधे घंटे में इसको फुल चार्ज कर देगा। मतलब आधे घंटे के चार्ज में आपको इसका 30 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, आई थिंक जो बेस्ट है। तो लास्ट बात आती है इनके प्राइस की। अब हमने इसके रिव्यू देख लिया, इसकी अनबॉक्सिंग कर ली, तो सबसे लास्ट बात आती है इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस है 4990, मतलब 5000 रुपये से कम है। और आई थिंक इतने फंक्शंस में और वन प्लस के ब्रांड में ये प्राइस बेस्ट है, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल बेस्ट प्राइस है, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो लास्ट में एडवाइस यही है कि अगर आप वन प्लस यूज़र हैं तो आप आग बंद करके इन्हें परचेज कर सकते हैं, दे आर बेस्ट फॉर यू। और अगर आप वन प्लस यूज़र नहीं है तो भी बहुत अच्छे हैं ये, जो आपको एक दो फंक्शंस है वो नहीं मिलेंगे, अदरवाइज साउंड वाइज और वाइज बहुत ही अच्छे ईयरबड्स हैं, आप इनको इस रेंज में परचेज कर सकते हैं। बाकी ये आपका डिसीजन है। थैंक यू फॉर माय वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेरी जो कमियां हैं मुझे बताइए। थैंक यू।